गुड मॉर्निंग वेस्टिडियंस, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से कृषि ज्ञान के 21वें एपिसोड में, पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री। आई होप दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में जो हमने गेहूं के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आज हम लोग 21st एपिसोड में हैं और फिर से आज हम गेहूँ की ही बात करने जा रहे हैं। गेहूँ की फसल जिसके ऊपर मौसम का भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, हालांकि ठंड को उतना ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है गेहूं की फसल पे, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए या उसके बाद धूप निकले, फिर ह्यूमिडिटी हो जाए, फिर धूप निकले, तो इस प्रकार के मौसम का गेहूं की फसल पे प्रभाव पड़ जाता है और उनसे बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। आज हम स्टेप नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो कि है 15-20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, फूल आने के 15-20 दिन के बाद। इस स्टेज पे हम वेस्टिज के 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज़ करवा सकते हैं। वेस्टिज एग्री नैनोटेक, इसकी डोज 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम तक रहती है, और एग्री नैनोटेक जो दाना बनने वाला है गेहूं का, उसके लश्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी चमक को इम्प्रूव करने का काम करता है। एग्री गोल्ड का हम प्रयोग करवा सकते हैं, इसकी डोज 15 लीटर में 20 ग्राम रहती है, और एग्री गोल्ड हमारी फसल में आने वाले जैविक एवं अजैविक तनावों से बचाने का काम करता है, जिसकी कि मैं अभी शुरुआत में बात कर रहा था, फसल को गिरने से बचाने के लिए या फिर फसल को झुकने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। तीसरा प्रोडक्ट होता है वेस्टिज एग्री 82, इसको हम 15 लीटर के टैंक में 5-10 ml की डोज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और ये एक्टिवेटर और स्प्रेडर के तौर पर काम करता है। आई होप दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आपके आसपास जहां भी गेहूं की फसल हो रही है, वहां पर आप इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा 22वें एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।